ऑर्गेनाइजेशन सीख कर रहे हैं? देखिए, ये जो जापान के पार्लियामेंटेरियंस का जो ग्रुप आज आया हुआ इंडिया में, और जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर सुगो, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन आया हुआ है, और ये गणेशा ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो भारत का जो गणेश है उसी के नाम पर ये गणेशा ग्रुप, यानी जो फोरम है ये गणेशा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और रात के भारत के सांसदों के साथ इनकी बैठक थी, बहुत अच्छी बैठक रही है। और देखिए, जो जापान है, जो FDI है, उसमें पांचवा सबसे बड़ा FDI जो है वो जापान से भारत में आता है। और जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, अब तक करीब 165 स्टार्टअप्स को जापान और उनके संस्थाओं ने फंडिंग करने का काम किया है, और 2 दर्जन से ज़्यादा जापानीज कंपनियां हैं, सोनी से लेकर मित्सुबिशी से लेकर, जिनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तो दोनों देशों के बीच और बेहतर संबंध बने, और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए इस फोरम का उद्देश्य है कि भारत और जापान के बीच हमारे संबंध और बेहतर बने। उसी दिशा में इस प्रकार के डेलीगेशन के साथ और मुलाकात होती है, और यही उसका उद्देश्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर जो है लॉ कमीशन में शिकायत करी है, इस पर क्या? नहीं, देखिए, लॉ कमीशन ने सभी लोगों के विचार मांगे हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑलियम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूँकि संविधान के तहत ये निर्देश का नहीं, या संविधान में इसका उल्लेख है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए, और अपने समाज के भीतर किस तरह के सुधार हों, इस दिशा में बोर्ड ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या सुधार होना चाहिए। इसको लेकर पिछले 50 साल में 70 साल में कोई प्रयास नहीं हुआ, इसलिए जल्दबाजी में रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भ्रम पैदा हुआ उसको हम लोग दूर करेंगे, और मुस्लिम समाज के अंदर भी जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सर, अक्रॉस द पार्टी की अगर बात करें तो क्या और पार्टियां जो हैं बीजेपी का फेवर करेंगे इस मामले? देखिए, अभी तो लॉ कमीशन को लोग, हर पार्टी अपना विचार दे रही हैं, फिर लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, फिर आगे की क्या दिशा होती है अभी तो कहना मुश्किल है। अभी तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, चाहे वो पार्टी हो, इंडिविजुअल हो, कि अपने पार्टी के विचार से लॉ कमीशन को वो जानकारी दे, और फिर लॉ कमीशन उसमें आगे कोई रिपोर्ट बनाती है, कोई रिकमेंडेशन करती, क्या करती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।